महेंद्र सिंह धोनी का सोमवार को चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से पहले अभ्यास सत्र के दौरान एमए चिदम्बरम स्टेडियम में जोरदार स्वागत किया गया। धोनी अपने करियर को लेकर लगाए जा रहे कयासों के बीच अभ्यास के लिए पहुंचे और जैसे ही वो नेट प्रैक्टिस के लिए बल्ला थामे पिच पर उतरे तो मैदान के बाहर उनकी झलक पाने के लिए उनके फैंस भी मौजूद थे। स्टेडियम में धोनी के नारे लग रहे थे और धोनी ने इस बीच अपना अभ्यास शुरू कर दिया। पिछले साल वनडे विश्व कप के बाद से ही ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि ये सीनियर खिलाड़ी अब क्रिकेट को अलविदा कह देगा, क्योंकि इस पूर्व भारतीय कप्तान ने तब से कोई अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला नहीं खेला है, लेकिन आईपीएल में वो वापसी करने वाले हैं। सीएसके धोनी की प्रैक्टिस का एक वीडियो भी अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर कर चुका है। इससे पहले धोनी जब चेन्नई सुपर किंग्स की बस में सवार होकर स्टेडियम के लिए निकल रहे थे तो उनके फैंस सड़क पर जमा होने लगे। बस के आसपास दोपहिया वाहनों पर सवार धोनी फैंस धोनी के नारे लगाने लगे और स्पीच धोनी की झलक भी उनके फैंस को दिखाई दी। नेट में अभ्यास के दौरान उन्होंने कुछ जोरदार शॉट्स लगाकर अपने फैंस को खुश किया। चेन्नई के खिलाड़ियों का अभ्यास देखने के लिए वहां कुछ 100 दर्शक उपस्थित थे। चेन्नई के जिन खिलाड़ियों ने सोमवार को अभ्यास में भाग लिया उसमें रायडू, मुरली विजय, पीयूष चावला, करण शर्मा, आर साई किशोर और एन जगदीशन शामिल थे। आईपीएल का उद्घाटन मैच 29 मार्च को चेन्नई और मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस के बीच मुंबई में खेला जाएगा। एलजी न्यूज रूम की रिपोर्ट।